नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जुबानी जंग तो छिड़ी हुई है, लेकिन अब ये लड़ाई चुनाव आयोग जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस द्वारा ईवीएम स्ट्रांग के बाहर तंबू गाड़ने को लेकर भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे के अंदर ही तंबू गाड़े रखे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों की सीधी सीधी अवहेलना है, जिसके खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। भाजपा नेता गणेश दत्त ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जिसके चलते वो अब हमेशा की तरह ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।